गाइस वेलकम टू पहाड़ी वाला ब्लॉग। सबसे पहले गाइस मैं आप सभी को सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि काफी दिनों के बाद ब्लॉग आ रहा है, लेकिन ये भी बोलना चाहूंगा कि आज के इस ब्लॉग में आप सभी को मजा काफी आने वाला है क्योंकि आज हम लोग अपने रांची में एक प्रैंक करने वाले और अपने रांची वासियों का दिल चेक करने वाले कि उनका दिल कैसा है, कि वो एक गरीब और लाचार बंदे का हेल्प करते या नहीं, ये आज हम लोग देखने वाले। तो ये चेक करने के लिए हम लोग जाने वाले सबसे पहले अपने एरिया के सबसे क्राउडेड वाले एरिया पे। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइस मैं अपने रांची के सबसे क्राउडेड वाले एरिया पे आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ कि हमारे रांची वासियों का दिल कैसा है। आ जाओ, सामने देख सकते हो गाइस एक भेलपुरी वाले अंकल भेलपुरी बेच रहे, उनका दिल देखते कैसा है। आ जाओ अंकल, एक्चुअली मैं ना, तो अंकल जी से मैंने बोला कि एक्चुअली मैं अंकल ना मैं रांची घूमने आया था लेकिन मेरा सारा पर्स वगैरह चोरी हो गया, तो क्या आप मुझे फ्री का कुछ खिला सकते हो? भूख बहुत जोर का लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ गया था कि अंकल जी का दिल काफी बड़ा है। मजाक कर रहे अरे मजाक कर रहे, नहीं मजाक कर रहे। देखो गाइस हमारे रांची वासियों का दिल आप देख सकते हो कितना बड़ा है। मैंने अंकल को बोला, अपनी मजबूरी बताया, तो अंकल एक मिनट में हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। तो शुक्रिया अंकल, आप मुझे बनाइए और ये आप खाइए, ठीक है? और पैसा मैं आपको दे रहा हूँ अभी जस्ट। नहीं पैसा मैं आपको दे रहा हूँ। अरे नहीं अंकल ऐसा मत कीजिए, हम लोग YouTube में वीडियोस बनाते हैं, ठीक है? और ये अंकल का स्टॉल नाम और आबादी के जस्ट स्टेज है ना उसके बगल में, तो अंकल का दिल काफी अच्छा है। सो यहाँ पे आप लोग आओ और मस्त इनका भेलपुरी का मजा लो। शुक्रिया अंकल, मैं आपका दिल देख रहा था, फोन पे मैं आपको पे कर दे रहा हूँ, ठीक है? बट ये आप खा लीजिए, मेरे तरफ से ये आप खा लीजिए, अरे मेरे तरफ से आप खा लीजिए। 40 हुआ ना? 30 हुआ, चला गया अंकल। शुक्रिया, आपका दिल बहुत अच्छा था अंकल। चलिए ठीक है आ जाओ। तो गाइस देखा, यहाँ पे एक मिशन हमने सक्सेसफुल किया, अब पता चला कि हमारे रांची वासियों का दिल कितना बड़ा है। हेलो भैया, एक्चुअल में ना मैं रांची घूमने के लिए आया था, तो मेरा ना ट्रेन में पर्स वगैरह बैग सारा कुछ चोरी हो गया, क्या आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो? मुझे फ्री का कुछ खिला सकते हो? हाँ नहीं क्यों भैया, गरीबों का हेल्प करना चाहिए आप, मेरे वो 10 दीजिएगा तो आपको मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ, बस आपको बोल रहा हूँ कि मेरा मंदिर में काम करते हो, तो आप मेरे को कुछ खिला नहीं सकते हो कुछ भी। तो भैया काफी सोच विचार करने लगे और फिर लास्ट में ना कह दिया, नहीं खिला सकते हो, क्यों? कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं, और शुक्रिया, कोई बात नहीं। सबकी अलग अलग मजबूरियाँ होती है, हो सकता है इस भैया का कुछ अलग मजबूरी हो। पता है हमारा माइक ना काम नहीं कर रहा है, कभी कभी आवाज आ रहा है, कभी कभी नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा पता है? इसको मैं ऐसे हाथ में रख रहा हूँ ना तो आवाज़ दब जा रहा है, और इसका ये जो क्लिप है ना मोटर ने ये टूटा हुआ है, तो अब इसका जुगाड़ लगाते हैं। पहले यहाँ पे रबड़ मेरे को मिला है, मैंने ढूंढा है, अब इसको ना टी शर्ट पे बांध लेते हैं, उसके बाद फिर ये प्रैंक करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ गाइस एक रांची के बेस्ट प्लेस पर छपरी बनकर, और यहाँ पे मैं छपरी बनकर लोगों से भीख मांगूंगा और फ्री का खाना खाऊंगा। ये माइक टेस्ट हो रहा था। हेलो भैया, मैं ना बहुत दूर से आया, ठीक है? तो मेरे को ना बहुत जोर का भूख लग रहा है, मेरा पर्स वगैरह सारा कुछ चोरी हो गया, क्या आप मुझे फ्री का कुछ खिला सकते हो? चाट खा लीजिए। फ्री का खिला दे दीजिए। कहाँ से लाते हो भैया इतना बड़ा दिल? आप कहाँ से? हाँ तो आप ऐसे ही सबका हेल्प कर देते हो? वाह भैया, आपका दिल देख कर ना मेरे को भी लग रहा है कि मैं भी किसी का हेल्प करूं। एक्चुअली मैं ना वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो बन रहा है, हम लोग ना एक यूट्यूब चैनल से पहाड़ी वाला ब्लॉग्स, तो हम लोग देख रहे थे कि रांची के लोगों का दिल कैसा है, वो किसी गरीब या लाचार बंदे का हेल्प करते हैं या नहीं, पहाड़ी वाला ब्लॉग्स। हाँ यूट्यूब में। तो शुक्रिया भैया, आपका दिल बहुत बड़ा है, काफ़ी अच्छा लगा। आप पहले बताइए कितना हुआ? नहीं कितना हुआ, अरे बताइए ना। हम बोले भैया, लेकिन आप तो रियलिटी आपको पता चल गया ना कि क्या है, तो हाँ पैसा आपको लेना पड़ेगा, हम लोग पैसा दे देंगे। हाँ क्या जी? नहीं पैसा लेना पड़ेगा, खाने का इच्छा है लेकिन अब पैसा आपको लेना पड़ेगा। सर रियली में आपको क्या लगा था अंकल, आपको पता था कि मैं वीडियो बना रहा हूँ? हाँ यही, अच्छा तो भैया का रियली में भैया मुझे देखे भी नहीं थे लेकिन ये मेरे को हेल्प करने के लिए तैयार हो गए, और देखो मेरे को एक अच्छा सा चाट बनाकर खिला रहे। तो शुक्रिया भैया का, और भैया को मैं अभी पैसा भी दूंगा, ऐसा नहीं है पैसा नहीं दूंगा।
चलो गाइस भैया को मैं पेमेंट कर देता हूँ। कितना बोले? 30। 40 कर दे रहा हूँ। आपका दिल के लिए आपको तो कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना सर, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए ना। हाँ, तो बस आपके साफ दिल का इनाम ये है। तो हर कोई का दिल ना भैया के जैसा नहीं होता है। एक स्टॉल पे मैं गया था, चौमिन वाले के स्टॉल पे, तो वहाँ पे ना मेरे को खिलाने से मना कर दिया गया। मेरे को मेरी मजबूरी भी वो समझे नहीं, बट भैया मेरे मजबूरी भी समझे और मेरे को खिलाए भी। सो भैया को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ दिल से। तो बगल में ना गाइज एक आइसक्रीम वाला ठेला है और मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, बट आइसक्रीम वाले अंकल ही नहीं दिख रहे। हो सकता है वहाँ पे जाने के बाद पता चलेगा। और आइसक्रीम भी हम लोग फ्री में खाएंगे। आ जाओ अंकल, बोले थे ना हम रांची घूमने आए थे, तो मेरा पर्स वगैरह ना भुला गया, तो मुझे भूख लग रहा है काफ़ी जोर का, तो क्या मुझे आइसक्रीम खिला सकते हो आप फ्री का? हाँ, बिक्री नहीं हो रहा आपका, मतलब एक 10 का खिला सकते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? हाँ सच में खिला रहे हैं क्या अंकल? वाह अंकल शुक्रिया, आपका तो दिल बहुत बड़ा है। एक्चुअल में अंकल वहाँ वीडियो बन रहा है, हम ना रांची के लोगों का दिल देख रहे हैं कितना बड़ा है, कि वो किसी गरीब या लाचार का हेल्प करते या नहीं, वो हम चेक कर रहे हैं। तो आपका भी दिल मैंने सोचा कि क्यों ना चेक किया जाए, बहुत उदास बैठे हुए थे, मुझे लगा कि क्यों ना आपका दिल चेक किया जाए। ये कितने वाला आइसक्रीम है? 10 का है। फोन पे लेते हैं ना? चलिए मैं आपको 20 पे कर दे रहा हूँ। नहीं 20 कर दे रहा हूँ। आपका दिल मुझे अच्छा लगा तो उसका इनाम है ये आपके लिए। चलिए शुरू में आप थोड़ा गड़बड़ा रहे थे। अच्छा आप कैमरा देख लिए थे क्या? कैमरा देख लिए थे? आपको लग रहा था क्या हम वीडियो बना रहे हैं? ऐसा नहीं ना लग रहा था? चलिए बढ़िया है, 20 हम फोन पे में कर दे रहे हैं। चलो अंकल को मैं 20 पे कर दे रहा हूँ। देखिए अंकल चला गया, ठीक है, शुक्रिया अंकल। ऐसे ही सब लोगों का हेल्प करते रहिए, आपको भी ऊपर वाला हेल्प करेगा। चलो इस अंकल का भी दिल काफी अच्छा था, हेल्प मिल गया और आइसक्रीम भी मुझे मिल गया फ्री का। बात अलग है कि मैंने इनको अपने तरफ से इनाम दिया, वो बात अलग है, बट आइसक्रीम तो मुझे फ्री ही मिला। तो फाइनली प्रैंक वीडियो शूट करने के बाद गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने दोस्त के छोटे भाई के बर्थडे सेलिब्रेशन में। आप देख सकते हो काफी मस्त तरीके से डेकोरेट किया गया। और सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ हमारी न्यू फ्रेंड सोफिया से। ये पता है कहीं पे भी जाती है ना तो सिर्फ खाने में बिजी रहती है। अभी भी देख सकते हो ये बेइज्जती मत करो, ये तीसरा प्लेट है। हाँ, तो ठीक है जिंदगी। और देखो यहाँ पे कितना मस्त डेकोरेट किया गया, देखो यहाँ पे क्या मस्त डेकोरेशन किया गया भाई। अब देखो काफी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सो अभी सेलिब्रेशन शुरू नहीं हुआ है, कुछ देर के बाद सेलिब्रेशन शुरू होगा। और यहाँ पे म्यूजिशियन वाले अंकल भी आए, ये अपना कुछ मैजिक दिखाएंगे यहाँ पे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। वो यही वो शख्स है जिसके छोटे भाई का आज बर्थडे है। भाई धूमधाम से मना रहा है, बहुत ज्यादा खर्च कर दिया भाई। कभी मेरा भी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करवा दे ऐसे भाई। एलेक्सा भी करवाएगा, ठीक है एलेक्स? पक्का ना? पक्का। थैंक यू शुक्रिया भाई, ऐसे ऐसे दोस्त होंगे तो भाई तो फिर पैसे की जरूरत ही नहीं है। देखो काफी सारे अलग अलग डिशेस हमारे पास आ चुकी है। और ये मैं जैसे हाथ मिले ना, इसका हाथ इसकी तरफ आने लगा। भाई देखो देखो खाली खाने में बिजी है ये लड़की, पूरा वसूल दो पैसा। बताओ इतने अच्छे बर्थडे पार्टी में क्या डिस्कस हो रहा है, कि आपका बाल खड़ा होता है या नहीं होता है? तो मैं इनको ना अपने पहले वाला फोटो दिखा रहा, जब मैं खड़ा बाल रखता था उस समय का फोटो मैं इनको दिखाता हूँ कि मैं कैसा बाल रखता था। और आपको भी दिखाता हूँ कि मैं पहले कैसा बाल रखता था। अभी आपका पहाड़ी वाला ना सुधर गया, पहले भाई थोड़ा लोफर टाइप पे रहता था। देखो मैंने इनको दिखाया कि मैं पहले ऐसा बाल रखता था, तो इनको विश्वास ही नहीं हो रहा। ये बताओ गाइस कि ये अच्छे लगते हैं इस टाइम की, अभी ये अच्छे लगते हैं? हाँ कमेंट करके बताना गाइस कि अगर मेरा आप लोग कमेंट किए कि इसमें अच्छे लगते तो मैं पक्का इनका बाल कटा दूंगा। हाँ ठीक है, आप लोग कमेंट करना गाइस। अगर आप लोग बोलोगे ना कि ऐसा बाल करने के लिए तो मैं पहले ऐसा कर लूंगा, और अगर नहीं बोलोगे तो ऐसे ही रखूंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा हेयर स्टाइल मेरे पे अच्छा लगता है। अच्छा। अब ये बोल रही है ना कि ऐसे जब बाल सोया हुआ रहता है ना तो बच्चों की तरह दिखते हो तुम, क्या? हाँ, सच है ये? सच बात है। हाँ तो ये छुपाने का तरीका है, ये जो भी ज्यादा जवान हो गए हो ना वो अपने बाल को सुता लो, वो बच्चों की तरह लगोगे। देखो अभी यहाँ पे मैजिक शो शुरू होने वाला है, अंकल जी अपना कुछ यूनिक मैजिक दिखाने वाले हैं यहाँ पे।
पानी है, सूखा हुआ है, लेकिन जब हम ऐसे रखेंगे इसमें अपने आप पानी भर जाएगा। इसको जब ऐसा रख देंगे इसमें अपने आप पानी भर जाएगा। आ रहा है ना? और एक बार हम करेंगे। सूखा हुआ है ना, पानी नहीं है? नहीं है। लेकिन जब ऐसा रखेंगे ठीक से इसमें अपने आप पानी आते रहेगा, आते रहेगा, आते रहेगा। फाइनली गाइस बर्थडे सेलिब्रेट करके हम लोग घर आ चुके हैं और रात काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और मैं थक भी काफ़ी चुका हूँ। और अभी ना मैं कबीर भाई के रूम में ही सोने वाला हूँ क्योंकि घर का ताला वाला बंद हो चुका होगा, तो इसलिए आज का नाइट कबीर भाई के रूम में ही हम लोग बिताने वाले हैं। कबीर भाई, ये रहे हमारे कबीर भाई। और रात के देखो कितना बज रहा है, 12-1 बज रहा है और ये 2 बज रहा है और ये पता नहीं क्या क्या कर रहा है भाई। सो चलिए सोते हैं और मिलते हैं गाइस अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।